Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to start our maths lecture from unit number 7, geometry, exercise 7A and question number 4. Question 1, 2, 3 हमने previous lecture में solve किए थे. Now we are going to solve question number 4. Question 4 is, measure the length of the following lines with the help of a ruler and divider. आपके पास अब आपकी बुक में लाइंस गिवन है, आपने उनको मेजर करना है और उनकी लेंथ बतानी है. तो आपके पास जो पार्ट ए में जो फर्स्ट लाइन थी, आपने उसको मेजर करना है. हाउ टू मेजर, कैसे मेजर करेंगे? अपने रूलर को लें, टेक अ रूलर एंड फिक्स्ड टू दिस लाइन. इस लाइन पे उसको इस तरह से फिक्स करें कि उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट वो जीरो हो. जीरो को आप अपने इस पॉइंट पे फिक्स करें और जो फिर आगे आपका वो ये पॉइंट जिस भी नंबर में आता है उन दोनों पॉइंट्स को नोट कर लें. लेकिन मेक श्योर कि आपका जो फर्स्ट पॉइंट हो वो जीरो पे हो. फिर जीरो से आगे वो जितना भी जाएगा जहां पे उसकी एंडिंग होगी हम उसको नोट कर लेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आप जब इस रूलर को सेट करेंगे, जीरो आपका यहाँ पे होगा. फिर आप चेक करेंगे कि रूलर, ये जो लाइन जहां तक जा रही है वहां पे रूलर का पॉइंट क्या है. रूलर का पॉइंट होगा 4. ओके, तो फिर इट मींस कि आपकी लाइन 0 टू 4 गई है. तो टोटल लेंथ कितनी हुई? 4 सेंटीमीटर. 4 सेंटीमीटर इज द आंसर ऑफ पार्ट ए. पार्ट बी, आपके पास लाइन गिवन है, उसी तरह से एक रूलर लें, उसको फिक्स करें, एक पॉइंट को जीरो पे रखें, दूसरे पॉइंट को जहां तक लाइन जाती है वहां तक उसको जाने दें और जहां तक वो लाइन एंड हो रही है उस पॉइंट पे, उस पॉइंट को चेक करें. उस पॉइंट तक आपकी लाइन जाएगी, वो आपका एंडिंग पॉइंट होगा, वही आपकी लाइन की टोटल लेंथ होगी क्योंकि जीरो से लेकर वो वहां तक जाएगी. सो 0 टू 2.3 सेंटीमीटर तक ये आपकी लाइन जा रही है. 2 से 3 पॉइंट्स आगे, 2 के बाद आपके पास एक छोटी लाइन होगी 1, फिर दूसरी 2, फिर तीसरी 3. छोटी छोटी लाइंस, 3 लाइनों के बाद आपकी ये लाइन एंड हो रही होगी. तो इट मींस आपके मेजरमेंट, आपका आंसर क्या होगा पार्ट बी का? 2.3 सेंटीमीटर इज द आंसर ऑफ पार्ट बी. ये लाइंस आपकी बुक पे गिवन है, आप वहां से मेजर करेंगे पहले, ठीक है, या फिर जो आपको नोट्स मिलेंगे वहां से भी आप ये लाइंस ड्रॉ होंगी, आप इनको मेजर करेंगे, फिर आप इनकी लेंथ लिखेंगे अपनी नोटबुक पे एज आंसर. पार्ट सी, इट्स लाइन सेगमेंट. इसको भी आपने उसी तरह से रूलर की मदद से मेजर करना है. अपने रूलर को फिक्स करें, यहाँ पे जीरो होना चाहिए, यहाँ पे आपकी लाइन जाएगी, 4 से 2 पॉइंट्स आगे होंगे. ओके, मेजरमेंट्स कुछ सेंटीमीटर आगे पीछे भी हो सकती हैं ड्यू टू स्केल्स डिफरेंस. देखें, स्केल हर किसी के पास डिफरेंट होता है. तो अगर किसी की जो आपके पास, अगर आपका स्केल, अगर आप अपनी बुक पे लाइन को मेजर कर रहे हैं, अगर आपका जो स्केल है वो बता रहा है 4.3, मींस के उस स्केल की अकॉर्डिंग 4.3 है, तो आप लेंथ 4.3 ही लिखें बिकॉज स्केल में थोड़ा बहुत डिफरेंस भी हो जाता है, हर किसी के पास सेम स्केल नहीं होता. तो आंसर क्या होगा? 4.2 सेंटीमीटर ऑफ पार्ट सी. पार्ट डी आप खुद सॉल्व करेंगे. लाइन आपके पास बुक पे गिवन होगी, आपने उसको मेजर करना है और मेजर करके उसका आंसर नोटबुक पे लिखना है. क्वेश्चन नंबर 5,
Draw straight line of the following lengths using a ruler and divider. अब आपने पहले आपको लाइन गिवन थी, आपने उसकी लेंथ लिखनी थी. अब आपको लेंथ गिवन होगी, आपने उसके अकॉर्डिंग लाइन ड्रॉ करनी होगी. तो आपके पास 4 सेंटीमीटर की आपने लाइन ड्रॉ करनी है. अपने रूलर को इस तरह से फिक्स करें, हॉरिजेंटली वर्टिकली भी कर सकते हैं, इसमें आपको कोई पंक्चुअलिटी नहीं है, कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है. आप अपने रूलर को इस तरह से रखें, पेंसिल की मदद से जहाँ पे आपका ज़ीरो है एक पॉइंट ज़ीरो पे फिक्स करें, दूसरा पॉइंट आपका जहाँ पे रूलर पे लिखा हुआ है एग्जैक्ट 4, ना उससे एक पॉइंट पीछे ना एक पॉइंट आगे, जहाँ पे लिखा है 4 उसके उस पे जो लाइन है 4 की जो लाइन है वहाँ पे अपने पॉइंट को फिक्स कर दें. अब आपके पास 2 पॉइंट हैं, एक आपने 0 पे फिक्स किया है और एक 4 पे. अब उसी तरह रूलर रखते हुए उसी रूलर की मदद से उन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करवा दें, दोनों पॉइंट्स को वहीं से एरो हेड्स बना दें, क्योंकि हमने लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन सेगमेंट नहीं ड्रॉ करने, तो उसके हमने फिक्स पॉइंट नहीं बनाने. सो आप उनको जब मीट करवा देंगे दोनों पॉइंट्स को, तो आपके पास ये लाइन स्ट्रेट लाइन बन जाएगी. नेक्स्ट है आपके पास पार्ट बी, एंड पार्ट बी में जो लेंथ गिवन है वो है 8 सेंटीमीटर. 8 सेंटीमीटर की लाइन भी आपने उसी तरह ड्रॉ करनी है जिस तरह 4 सेंटीमीटर की थी. अपने रूलर को फिक्स करें, एक पॉइंट वहाँ पे लगाएं जहाँ पे 0 लिखा हुआ है स्केल पे, और दूसरा पॉइंट वहाँ पे फिक्स करें जहाँ पे 8 लिखा है रूलर पे, एग्जैक्ट 8 पे. अब आपने 2 पॉइंट्स फिक्स कर लिए हैं, एक 0 पे एक 8 पे, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करवा दें. आपके पास जो टोटल लेंथ बनेगी 0 to 8 सेंटीमीटर, आपके पास 8 सेंटीमीटर की लेंथ की एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन. आप इस लाइन को हॉरिजेंटली वर्टिकली एज योर विश ड्रॉ कर सकते हैं. पार्ट डी 6 सेंटीमीटर, आपने अब 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है. तो देखें, अब ये लाइन मैंने वर्टिकली ड्रॉ कर ली है. मैंने आपको पहले भी बताया है इसमें कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है, आप हॉरिजेंटली भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा कि वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें या हॉरिजेंटल, उन्होंने जस्ट कहा है कि एक लाइन ड्रॉ करनी है. सो 6 सेंटीमीटर की लाइन आप अपने रूलर को वर्टिकली रखें. वर्टिकली रखने के बाद एक पॉइंट 0 पे लगाएं, दूसरा पॉइंट 6 जहाँ पे लिखा है वहाँ पे लगाएं, दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करवा दें. आपके पास एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी जिसकी लेंथ क्या होगी, 6 सेंटीमीटर. माइंड इट, आपने लाइन ड्रॉ करने के बाद उन पॉइंट्स को एरो हेड्स में कन्वर्ट ज़रूर करना है, उन्हीं पॉइंट्स को आप एरो हेड्स बना दें, क्योंकि हम लाइन सेगमेंट नहीं लाइन ड्रॉ कर रहे हैं. पार्ट सी और ई आप खुद सॉल्व करेंगे, इसी तरह से आपने लाइन की मेजरमेंट करनी होगी. पार्ट एफ 7 सेंटीमीटर, सेम एज प्रीवियस पार्ट्स, अपने रूलर को फिक्स करें, एक पॉइंट 0 जहाँ पे लिखा है वहाँ लगाएं, दूसरा पॉइंट जहाँ पे आपका 7 सेंटीमीटर तक जा रहा है स्केल वहाँ पे फिक्स करें 7 पे, दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करवा दें, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी जिसकी लेंथ क्या होगी, 7 सेंटीमीटर. 7 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ पार्ट एफ, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली. क्वेश्चन नंबर 5 इज कंप्लीटेड. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन 6 आपके सिलेबस में नहीं है.
क्वेश्चन 7 इज ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन ऑफ 5 सेंटीमीटर। अब देखिए उन्होंने आपको एक रिस्ट्रिक्शन दे दी है कि आपने जो लाइन ड्रॉ करनी है वो वर्टिकल ही होनी चाहिए, वर्टिकली ड्रॉ करनी है, वर्टिकल लाइन होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल नहीं ड्रॉ कर सकते। तो आपने फिर उसको इस डायरेक्शन में ड्रॉ करना है, अपने रूलर को हॉरिजॉन्टली फिक्स करेंगे जिस तरह मैंने पार्ट डी में किया था क्वेश्चन 5 में। हॉरिजॉन्टली फिक्स करें, एक पॉइंट वहां पे लगाएं जहां पे जीरो है, स्केल पे जहां पे जीरो लिखा है वहां पे एक पॉइंट लगाएं, दूसरा पॉइंट जहां पे 5 लिखा है तो 0 to 5, एक पे एक को आपने जीरो पे फिक्स किया, दूसरे को 5 पे, तो 0 to 5 सेंटीमीटर किया। अब आपके पास दो पॉइंट्स हैं, दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करवा दें, आपके पास एक लाइन बन जाएगी, स्ट्रेट लाइंस। अब उन दोनों पॉइंट्स को एरो हेड्स में कन्वर्ट कर दें, आपके पास स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, 5 सेंटीमीटर की वर्टिकल लाइन आपके पास ड्रॉ हो जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट बी, ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ 7 सेंटीमीटर। अब आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। पार्ट ए में आपसे कहा गया था कि आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, पार्ट बी में आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है 7 सेंटीमीटर की। ओके, 7 सेंटीमीटर की आपके पास ये जो लाइन है वो आपने इस तरह से ड्रॉ करनी है, सेम एज प्रीवियस पार्ट्स, प्रीवियस क्वेश्चंस, अपने रूलर को हॉरिजॉन्टली फिक्स करना है क्योंकि अब आपको रिस्ट्रिक्शन दे दी गई है। एक पॉइंट को जीरो पे फिक्स करें, एक पॉइंट को बी पे फिक्स करें। आपके पास दो पॉइंट्स होंगे, ए पे आपने जहां पे आपके पास जीरो होगा एक पॉइंट आपने यहां पे फिक्स करना है, दूसरा पॉइंट जहां पे आप फिक्स करेंगे वहां पे 7 सेंटीमीटर पे फिक्स करना है, मींस के रूलर पे वहां 7 होना चाहिए, जहां पे रूलर पे 7 होगा वहां पे दूसरा पॉइंट फिक्स कर ले। नाउ यू हैव टू पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करवा दें। ओके, आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी 7 सेंटीमीटर की, क्योंकि आपके रूलर पे आपने जो इस लाइन का डिस्टेंस है वो 0 to 7 सेंटीमीटर है, सो इसकी लेंथ क्या होगी, 7 सेंटीमीटर। पॉइंट्स को एरो हेड्स में चेंज कर लें क्योंकि आपके पास ये लाइन है, लाइन सेगमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ड्रॉ ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि 5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, टेक अ पॉइंट पी अबव ए बी। अब आपने एक पॉइंट पी लेना है ए बी के ऊपर, ड्रॉ अ लाइन पी क्यू परपेंडिकुलर टू ए बी। अब आपने एक लाइन पी क्यू ड्रॉ करनी है, परपेंडिकुलर नहीं सॉरी पैरेलल, जो कि ए बी के पैरेलल हो और पी को पास कर रही हो। आपके पास ये जो इसका सोल्यूशन गिवन है इसमें मिस्टेक है, ये सोल्यूशन आपने फॉलो नहीं करना, ये सोल्यूशन आपने फॉलो नहीं करना। हम यहां पे इसका अगेन सोल्यूशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक पॉइंट लेना है यहां पे, जहां पे आपके पास एक आपने रूलर को फिक्स करना है। फॉर एग्जांपल आपने अपने रूलर को फिक्स किया और आपके पास वो यहां पे जीरो होगा, आपने ये पॉइंट यहां पे फिक्स किया। दूसरा पॉइंट अब आपने तो मेयर करके करना है, मैं इस तरह सपोज करके कर रही हूं कि यहां पे 5 सेंटीमीटर, एक पॉइंट आपने जीरो पे फिक्स किया, एक पॉइंट आपने 5 पे फिक्स किया। अब आप इसको एक स्ट्रेट लाइन में मीट करवा दें, आपकी ये लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। ओके,
अब आप इसको नेम दें ए, इस पॉइंट को ए, और इसको बी का नाम दें। आपने एक एग्जांपल सॉल्व की थी, ड्रॉ पैरेलल लाइंस बुक पेज 157 पे। ये सेम उसी तरह होगा, जस्ट वहां पे आपको लेंथ नहीं गिवन थी, उन्होंने कहा था कोई भी एक सूटेबल लेंथ की आप लाइन ड्रॉ करें। तो यहाँ पे आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली ए बी 5 सेंटीमीटर की। अब उन्होंने कहा ए बी के ऊपर एक पॉइंट ले पी। आपने सेट स्क्वायर भी आप यूज कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपने रूलर को फिक्स करें और आप अपने सेट स्क्वायर को यहाँ पे फिक्स करें इस तरह से। यहाँ पे अगर आप एक पॉइंट ले रहे हैं पी, ए बी के ऊपर आप एक पॉइंट ले रहे हैं पी, ओके। अब आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि पी में से कट कर रही हो, जो पी को कट कर रही हो और पी में से गुजर रही हो और ए बी के पैरेलल हो। तो वो लाइन आपकी इस तरह से होगी, आप ए बी के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करें। सॉरी, आपने ये जो लाइन ड्रॉ करनी है पॉइंट पी लेना है, वो आपने ए या बी किसी भी एक पॉइंट के ऊपर लेना है, क्योंकि आपकी लाइन सेगमेंट्स जो आपकी लाइन का यूनिट्स हैं वो पी क्यू है, तो वो स्टार्ट में ही होनी चाहिए। आप यहाँ ए के ऊपर ले लें पी, यहाँ पे हमने पॉइंट ले लिया पी। अब हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, रूलर की मदद से भी आप कर सकते हैं। लाइन ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट लाइन जो कि ए बी के पैरेलल हो, मींस के उसके बिल्कुल सामने हो लेकिन आपस में ये टच ना करती हूँ, दे कैन नेवर मीट। अब इस पॉइंट को आप नेम दें पी का। ये हमने एक पॉइंट पी लिया था, फिर हमने एक लाइन ड्रॉ की थी और दूसरे पॉइंट को नाम दे दिया क्यू। अब आपके पास ए बी एक ऐसी लाइन है जो पी क्यू के पैरेलल है, ठीक है। ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं, बट ये एक दूसरे के आमने सामने हैं, बट दे कैन नेवर मीट, सो दे आर पैरेलल। अब आप यहां पे लिख सकते हैं ए बी, आपने ए बी एक लाइन ड्रॉ की, फिर आपने ए बी के ऊपर एक पॉइंट लिया, उस पॉइंट पे आपने एक लाइन ड्रॉ की जो कि पी में से गुजर रही हो, वो लाइन आपके पास ए बी के पैरेलल लाइन थी, ओके। नाउ ए बी पैरेलल टू पी क्यू। ये सॉल्यूशन आपने फॉलो नहीं करना, ये सॉल्यूशन आपने फॉलो नहीं करना, दिस वन इज ट्रू, ओके। ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 7 and 9 ऑफ एक्सरसाइज 7A इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स लेंगे हम, फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ओके, अल्लाह हाफिज़।